अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आपने किस तरह ये स्कोप एंड प्राइसिंग का जो टैब है दराज के ऊपर, जिसे हम पैकेजेस भी कहते हैं, इसको किस तरह से आपने लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम ऑर्डर आए, ठीक है, और इसको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे कैरियर पैकेज पर क्लिक करना। तो अब ये देखें मेरे सामने तीन प्लान सामने ओपन हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पहला प्लान आ रहा है मेरे पास। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है तीन प्लान्स का। ये तीन प्लान्स वो होते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मंथली बेस पे काम कर रहा हूँ, जो मेरा पहला प्लान होगा वो 7 दिन का होगा, क्योंकि मुझे 7 दिन काम करवाना चाहिए तो 7 दिन करवा ले, कोई 15 दिन करवाना चाहे 15 दिन करवा ले, कोई मंथ करवाना चाहे तो मंथ करवा ले। अब मैं आपको प्लान बना के दिखाऊँगा किस तरह आपने प्लान बनाना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है 7 डे प्लान, ठीक है, 7 डे प्लान। आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसका 7 डे प्लान बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 15 डेज प्लान, ठीक है, तो 7 डेज प्लान। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा कि 30 डेज प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए 7 दिन डिजिटल मार्केटिंग का काम करूँगा या फेसबुक को पेज को मैनेज करूँगा। I will manage your page for 7 days। उसके बाद ये देखिए इसको कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 15 दिन, क्योंकि हमारा जो ये वाला प्लान है ये 15 दिन का है। यहाँ पे मैंने कर दिया 30 दिन। अब मैंने प्राइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिलीवरी टाइम क्या करना है, क्योंकि 7 दिन का ना, तो हम 7 दिन करेंगे। इधर इसको आप 15 डेज कर दोगे, 14, ये देखें ये 14 डेज कर लें इसको। नेक्स्ट पे करोगे आप 30 डेज, 30 डेज के अंदर, ठीक है। मैं इसको भी 14 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 14 कर दिया, ठीक है। तो आपने भी इस तरह अपना प्लान बनाना है। अब रिवीजन, मतलब मैं रिवीजन वन टाइम देना चाह रहा हूँ सबके, अगर कोई क्लाइंट को कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको दोबारा भी करने के लिए तैयार हूँ। पेज सेटअप में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, अगर आप इनको देना चाहें तो भी ठीक है, ना देना चाहें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये अब आप पे डिपेंड है कि आप सर्विस देना क्या चाह रहे हैं। अब मैं 7 दिन के चार्ज कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $50, ठीक है, 15 दिन के मैं करूँगा $100, इसी तरह 100, और 30 दिन के मैं करूँगा $150, ठीक है। इस तरह से आपने इन सब प्लान्स को क्रिएट कर लें, तो क्या होगा कि जो बंदा आपसे 7 दिन काम करवाना चाहे 7 दिन करवा ले, जो 14 दिन करवाना चाहे वो 14 दिन करवा ले, जो मंथ करवाना चाहे मंथ करवा ले। इस तरह आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरह के प्लान भी जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है।